बोला नहीं ये ऐसे ऐसे बात है, इलाहाबाद से आता है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। अच्छा ठीक है, आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, ऐसे चला। और उस समय मैं दिग्विजय सर को फोन करता था, सर मैं इस बिजनेस को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, इतना बड़ा कर दूंगा, मुंबई करूंगा, महाराष्ट्र करूंगा। ऐसे करीबन 3 महीना चला था। और 3 महीने के बाद मैं एक दिन सोया था और सोते सोते मुझे याद आया कि कुछ तो करना चाहिए इस बिजनेस के लिए। तो 3 महीने में मुझे 42 रुपये का चेक आया था और एक 126 रुपये का चेक आया था। उसके बाद कुछ 500 रुपये का चेक आया था और वो बैंक में नहीं आता था, खाली मोबाइल में आता था। हाँ, बाद में पता चला कि जब 500 के ऊपर जाएगा तब आपके अकाउंट में जाएगा, नहीं तो मोबाइल में खाली दिखाई देगा। तो 3 महीने के बाद सर से बात हुई। सर ने कहा एक बार मैं बॉम्बे आता हूँ और तू बहुत सारे लोगों को बुला, बहुत सारे लोगों को बुला, जरा जितने जान पहचान के लोगों को बुला, मैं आके बिजनेस बताता हूँ, फिर देख तेरा बिजनेस कैसे बढ़ता है। मैंने कहा आपको बुलाने के लिए मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ड्राइवर आदमी 15-20 हज़ार कमा के कैसे घर चलाता, होटल में रहोगे, मेरा घर तो 1.5 फुट का है, रखूंगा कहाँ, उसका टेंशन ना ले, मैं अपने खर्चे से आ जाऊंगा। और सर आए, हमारे मलाड़ी में एक होटल है बहुत बढ़िया, वहाँ पर रुके। दूसरे दिन हम और प्रफुल भाई और सुशीला में जगला भाई, ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर कम से कम 62 लोग को बुलाए थे, क्योंकि हमने 60 कुर्सी लगाई थी, 60 की 60 कुर्सियाँ फुल थी, 2-4 लोग खड़े थे। इसी तरह का हॉल था और इसी तरह से सर ऐसे स्टेज बनाया गया था, स्टेज से सर बोल रहे थे और हम और प्रफुल भाई ये कई सारे लोग आगे बैठे थे और बाकी को लोग पीछे बैठे थे, और सेम ऐसे दरवाजा था। हम लोग उधर बैठ के ऐसे देख रहे हैं, सर इधर से बता रहे हैं। और वो मोटिवेशन में 11 बजे चालू हुआ, प्रेजेंटेशन चालू होते 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 करीब 2:30 बज गया। 2:30 बजे देख पीछे से लोग उठ के जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब हम तो आगे बैठे हैं, हमको पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, सर नीचे आए, तब हम आए पूछने के लिए तो देखे तो 12 लोग खड़े थे, बाकी तो सब गायब। और वो कौन थे पता है? हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त थे, कुछ हमारे ड्राइवर थे, मतलब जिससे रोज हमारा मिलना जुलना होता था, ऐसे सारे लोग थे और सब लोग गायब। अब जब 12 लोग बचे थे, कुछ खास लोग मतलब जो छोड़ के जा ही नहीं सकते, उनकी मजबूरी थी रुकने, नहीं तो वो भी चले जाते थे। हम लोग एक दूसरे का मुंह देख लेंगे, हो गया कंपनी का MD अगर बिजनेस बताए और 60 लोगों में से कम 50 लोग उठ के चले जाए, मतलब क्या होता है उस बिजनेस का, कोई समझ सकता है इस चीज को? आज हंसी आ रही है, उस दिन आंख से खून के पानी निकल गए। किसी तरह से अपने आप को संभाला, सर ने कहा कोई बात नहीं, पहली बार था, फिर आऊंगा, फिर बिजनेस बताऊंगा, लोग आपके साथ। उतने सारे लोग उठ के चले गए, उसमें से किसी एक आदमी ने ये नहीं कहा आखिर है क्या ये, किसी ने नहीं पूछा। उस 12 आदमी में से 4-5 लोगों को हमने जबरदस्ती जोड़ के रखा था बिजनेस में, वो जा ही नहीं सकते, जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने भी धीरे धीरे जब बोर हो गए तो सर के साथ हम लोग ने खाना वाना खाया, बाद में बोले बिजनेस चलने उलने वाला नहीं। 60-70 लोग उठ गए, 60 लोग चले गए, हम लोग 5 लोग क्या कर लेंगे। और उस 5 लोगों में से एक ही आदमी था प्रफुल कुलेकर जी, और उसने बोला सर मराठा हूँ, लास्ट तक हिम्मत नहीं हारूंगा, बिजनेस करो, जो होगा वो दुनिया में देख। सर को हम लोग 5:30 बजे छोड़ दिए एयरपोर्ट, आए गाड़ी में रोते रोते, 3 दिन हम लोग सोए नहीं थे, 3 दिन नहीं सोए थे। हम लोग राजस्थान से ड्राइव करके आए थे और फिर सर के साथ रात को बड़ा बड़ा पाव वगैरह खा रहे थे, 3 दिन सो नहीं पाए थे। तो हम लोग वापस रात को घर जाते जाते 12 बज गया था, रोते रोते किसी तरह से घर गए। सुबह हुआ तो कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सर रोज तो मुंबई नहीं आ सकते और फोन पे कितना सिखाएंगे, वो सिखा सकते हैं क्या फोन पे? और वो भी इतने बिजी रहते हैं, पूरे इंडिया की टीम को डायरेक्ट करते हैं, तो उनके पास भी इतना वक्त नहीं रहता कि हमेशा फोन पे बात हो सके। फिर किसी तरह से मैम और प्रफुल भाई, सुशीला जी, ऐसे कई सारे लोगों ने मिलकर धीरे 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 इस बिजनेस को करने का स्टार्ट किया। आज जो प्रफुल भाई ने बताया 550 का टीम है, वो हम लोगों ने बनाया हुआ नहीं है। प्रफुल भाई कभी ये नहीं कहना कि मनोज ने बनाया, कभी ये नहीं कहना कि आपने बनाया है, कभी आप नहीं कहना कि आपने बनाया, बनाने वाला इधर बैठा है। अगर मुझे बनाना होता तो आज के साल भर पहले ही 4-5 साल तो
बना लिया होता ना, मेरी ताकत नहीं थी, ताकत यहाँ से मिलती थी। घंटों रोता था, फोन पे बात करता था, जैसे जैसे बोलते थे। मैंने आज भी एक काम ऐसा नहीं किया है जो उनको ना बताया, ये एक भी काम बिजनेस को लेकर अगर एक काम भी नया अगर मैंने किया तो पहले सर से पूछा होगा कि सर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब काम के बारे में नहीं पूछता, दो महीने से सर से पूछता सर अगले महीने अगर इतना पैसा लेना है तो उसके लिए कितना काम करना है। तो 5 लाख का बिजनेस डाल, 10 लाख का बिजनेस डाल और उसके ऊपर हम लोग आज काम करते हैं। कहता हूं कि जब मैं ये बैग लेकर लोग घूमते थे, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान आकर बताते थे ना, तो सबसे बड़ा निगेटिव आदमी था, देखता था तो बड़ा तरस खाता था। इस समय बैग लेकर दिन भर घूमते पाते तो कुछ है नहीं, चेहरे पे जब देखो तब 12 बजा रहता है, कभी जूता फटा, कभी जूते में पॉलिश नहीं, कभी कपड़ा फटा, ये परेशान रहते हैं लोग। मेरे ऑफिस में आते थे, मैं उनको उनका जो कंपनी का बिजनेस प्लान होता था सुनता नहीं था, उनको बोलता था कितने का ज्वाइनिंग है, कितने से शुरुआत होता है, 4,000, 3,000, 2,000, 5,000, ठीक है ये पैसा ले लो चले जाओ, पैसा ले लो वापस, कभी बिजनेस लेकर ना आना। ऐसे होता था, इतना नेटवर्क खिला, इतना नेटवर्क खिला, पर जब 4-5 महीना हो गया, एक दिन याद आया बैग लेके घूम रहा था, कोई जुड़ नहीं रहा था, तो साला ये लोग की गली में तो मैं भी खड़ा हो गया। बहुत खराब लगा उस दिन, बहुत खराब लगा, लेकिन एक चीज समझ में आ गई थी, अगर पैसा अगर मनोज कमा सकता है तो फिर नेटवर्क से कमा सकता है, और नेटवर्क से कमा सकता है तो आज वाटिका से ही कमा सकता है, दूसरा तो मेरे पास कोई कंपनी। हमारा